गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ प्लांट ट्रीज। राजू और उसके फादर बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे हैं। राजू अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। राजू अपने डैड से पूछता है कि क्या बस आएगी डैड, तो डैड बोलते हैं, राजू ये क्वेश्चन तुम मुझसे 3 बार पूछ चुके हो, हाँ वो बस क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। राजू कुछ टाइम के लिए चुपचाप से खड़ा रहता है, फिर वो दोबारा शुरू करता है कि डैड अगर बस लेट हुई और हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो मेरी टीचर मेरा रोल किसी और को दे देंगी। तभी बस आ जाती है, उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो वह आ गई बस, अब अंदर चलो। राजू और उसके फादर बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद राजू अपने फादर से कहता है कि डैड मैं अपना बैग चेक कर लूँ क्या एक बार लास्ट बार, तो राजू के पापा कहते हैं कि हमने घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लिया था और एक बार हमने बस स्टॉप पर भी पहुंचने के बाद चेक किया था। ऐसे बात करते करते वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाते हैं। राजू अपने दोस्तों से कॉन्सर्ट हॉल में मिलता है, उन्हें विश करता है। राजू का जो विश करने का स्टाइल है वो बहुत ही धीरे होता है और एक सीरियस फेस के साथ विश करता है। तभी उसके सारे दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो राजू का एक दोस्त बोलता है कि आज तुम्हें कोई नई प्रॉब्लम है क्या राजू, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो राजू कहता है कि अगर मैं अपनी लाइंस भूल गया तब मैं क्या करूँगा, तो मुझे कोने में जाने दो और प्रैक्टिस करने दो। दिनेश जो कि प्ले में एक किंग का रोल प्ले कर रहा था, वो बहुत ही शांत था। वो राजू को भी शांत करने की कोशिश करता है, इसलिए वो राजू से पूछता है कि राजू तुम्हें किसी नीड हेल्प की नीड तो नहीं है? राजू कहता है कि हाँ थैंक यू। दिनेश मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से स्वे करना, मतलब हिलना? तब दिनेश कहता है कि तुम स्वे क्यों करना चाहते हो, तुम ऐसे हिलना डुलना क्यों चाहते हो? तब राजू कहता है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक पेड़ हूँ, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जोर जोर से हवा चल रही है। तब दिनेश कहता है कि हाँ ये तो सही है, पर पेड़ कुछ खड़े भी तो रहते हैं, कुछ धीमे भी तो हिलते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि तुम तेज़ हवा के रूप में हिलो, ये तुम धीरे भी हिल सकते हो। तब राजू कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन मैं सबसे बेस्ट एक्टर दिखना चाहता हूँ। तभी उनकी टीचर आती है उनके कॉस्ट्यूम्स और उनके मेकअप को देखने, उनके कपड़े और मेकअप को चेक करने। तब वो राजू से कहती है ऑल द बेस्ट राजू, हमारा प्ले नेक्स्ट ही है। यह प्ले है एम्परर अशोका का, राजा अशोका का, जिसने रोड के किनारे बहुत से पेड़ लगाए हैं ताकि वहाँ से गुजरने वाले यात्री इसके नीचे आराम कर सकें। राजू भी इन पेड़ों में से एक पेड़ था। सभी पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन राजू अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। दिनेश ने अपनी लाइन्स बहुत अच्छे से बोली थी, सभी ऑडियंस ने उसके लिए तालियां बजाई थी। तभी एक पेड़ गिर जाता है और ऑडियंस और ज़ोर से तालियां बजाकर हंसने लगती है। तभी दिनेश कहता है ऐसे लग रहा है तूफान आ गया हो, थैंक गॉड उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा नहीं था जहां वो गिरा था। जब कर्टन्स नीचे होते हैं, राजू अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि उसके दोस्त उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं। तब दिनेश कहता है कि तुम सबसे बेस्ट ट्री थे राजू, तुम्हारे लिए सबने तालियां बजाई। तभी टीचर कहती हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर राजू कहता है कि क्या सबने मेरी एक्टिंग रियली एंजॉय की थी? नाउ कम टू द एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। राजू इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द डैश। राजू किसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा था, टीवी शो, एनुअल फंक्शन और मूवी? द आंसर इज एनुअल फंक्शन। राजू इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ, राजू किस चीज़ का पार्ट प्ले कर रहा था, किंग, विंड और ट्री? द आंसर इज ट्री। दिनेश इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ किंग। द प्ले इज अबाउट एम्परर अकबर, अशोका और पोरस? द आंसर इज अशोका। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राजू वॉन्ट्स टू चेक हिज बैग टू सी इफ ही हैज टेकन एवरीथिंग। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन राजू से अ वीक हेलो हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफ ऑन हिम।
थर्ड स्टेटमेंट है दिनेश हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ किंग इन द प्ले इज काम. फोर्थ वन इज व्हेन द कर्टेंस कम डाउन एंड राजू ओपन्स हिज आईज ही कैन सी दैट ऑल हिज फ्रेंड्स हैव गैदर्ड अराउंड हिम. नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. First is Raju and his mother was waiting for a bus at the bus stop. No, false. Raju reaches the school half an hour late. False. Raju feels stress before the play. It's true. Emperor Ashoka plants many trees along the roads. True. It is all about the chapter. Thank you so much. Please don't forget to subscribe Guru Ramdas Convent School channel for further videos. Thank you so much.